हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज में। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 17 कवर किया था, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 कवर किया था, ठीक है। लेक्चर नंबर 17 कवर किया था, इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 18 कवर करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 17 के बाद का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 18, ठीक है। तो आपको पता होगा, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, कल नोट्स तक पढ़ा था, ठीक है। किसके नोट तक, जो एरिया ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट के नोट्स थे, ठीक है, उस रिलेटेड तीन नोट, ठीक है, थे, उनको हमने पढ़ा था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमने इन नोट्स को कल ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मतलब कि सारांश के रूप में इसे एक्सप्लेन किया था, मतलब आप सारांश नहीं कहिए उसको, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए थे, बस आपको पढ़ के थोड़ा थोड़ा सा उसके लिए उसको बता दिए थे, क्योंकि कल का वीडियोज में ये सब बताते तो वीडियोज का लेंथ काफी लंबा हो जाता, ठीक है, लेंथ काफी लंबा हो जाता, वो लगभग एक घंटे का वीडियो हो जाता। हम लोग का जनरली वीडियो आधा घंटा के आसपास का होता है, आधा घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए वो कल के वीडियोज में ये कवर नहीं करते, आज के वीडियोज में इसको हम कवर कराएं, ठीक है। एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियोज को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। किसी पॉइंट्स पर आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, जहाँ आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम टीचर्स आपका डाउट क्लियर करेंगे, और स्टूडेंट्स भी क्लियर कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स को क्लियर करने लायक होगा। तो अगर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तो टीचर हम लोग तो सॉल्व करेंगे आपका डाउट्स का, ठीक है, आपको डाउट का क्लियरेंस देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसे इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम लोगों को मिले अच्छे से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये इरेज नहीं होना चाहिए, सॉरी ये इरेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किया था 3, ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। हम उसको एक बार और से लिख देंगे, ठीक है। ये सारी चीज इरेज करना है, जो कि कल हम लोग हम वीडियो के लास्ट टाइम पे बताए थे, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए 10 सेकेंड का, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ये सब लगभग इरेज हो चुका है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो नोट्स आपको लिखवाए तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए नोट नंबर 1 की ओर चलते हैं, ठीक। तो आपको नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और से क्लियर कर लेने दीजिए, ठीक है। ये जो हम कल का एक्सप्लेन किए थे उसको आप पहले क्लियर कर लेने दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है अप्रोक्स, ठीक है। चलिए नोट 1 की ओर चलते हैं। तो नोट 1 क्या कह रहा है आपका, एरिया ऑफ एनी क्लोज कर्व, ठीक है, एरिया ऑफ एनी क्लोज कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया ऑफ एनी क्लोज कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मतलब किसी भी क्लोज कर्व का, ठीक है, बंद आकृति का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। इस कंसेप्ट को या इस जो नोट को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए पहले। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। चलिए इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए क्या लिखा गया था, थोड़ा सा और इससे हम इधर कर ले। किसी भी क्लोज कर्व का एरिया वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मानते हैं ये क्लोज कर्व है, ठीक है, रेंडम कोई सा क्लोज कर्व, क्लोज कर्व का मतलब बंद आकृति है ना, वो बंद आकृति त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग, ठीक है, ये होना आवश्यकता आवश्यक नहीं है, ठीक है। जो होता है बंद आकृति उसे कहते हैं, वो किसी भी शेप का हो लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके मैच करे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, और वो कंटिन्यूअस भी हो। जैसे ऐसे भी होता है, क्या हुआ कि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ पे तो मैच कर गए, लेकिन ये क्या है, ब्रेक है बीच में, तो ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व हो गया, ठीक है, ये क्लोज कर्व भी नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्लोज कर्व ये सब कहलाएंगे, ये, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस क्लोज कर्व का एरिया जो होगा, मान एरिया क्या होता है, उसके अंदर कितना स्पेस है उसको अगर फाइंड आउट करें तो उसका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है, ठीक है। ये 2D एरिया क्या होता है, 2D होता है, ये 3D नहीं होता, 3D क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है आपका, फिर ठीक है, 3D के लिए वॉल्यूम हो जाता है, 2D के लिए एरिया हो जाता है। आप वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल सुने हैं क्या, ऐसा कुछ आपको सुनने को मिला है कभी क्या, कि चलिए त्रिभुज का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, त्रिभुज का आयतन कभी निकाले हैं,
नहीं, ये होता ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो क्या होता है, 2D में हम लोग एरिया निकालते हैं, तो एरिया इसका निकालेंगे, ठीक है, इस जो भी क्लोज कर्व है उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी भी क्लोज कर्व का, आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक बार आप अच्छे से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी बंद आकृति का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, मतलब कोई भी बंद आकृति हो ना उसका एरिया क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों नोट यहाँ पे लिखवाया गया, ठीक है, ये नोट इसलिए राइज हुआ जब आपको हम संरेख का कंसेप्ट बता रहे थे, आपको याद होगा कि हम संरेख का कंसेप्ट कल के वीडियोज में बता रहे थे, ठीक, संरेख क्या होता है, ठीक है, हम ट्रायंगल का कंसेप्ट बता रहे हैं, तो चलिए ट्रायंगल का कंसेप्ट के बेसिस पे हम आपको समझाते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल का जो डिफिनीशन है, तीन साइड से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं ना, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का कोलिनियर का कॉन्सेप्ट जब हम आपको बता रहे थे तो क्या होता था, कोलिनियर के केस में वो एक साइड हो जा रहा था, ठीक है, ये तो तीन साइड है ना, मतलब कि तीन भुजाएं हैं, और कोलिनियर के केस में वो तीन पॉइंट एक स्केल रख के खींचेंगे तो वहां पे वो मैच कर रहा था तीनों, मतलब तीन पॉइंट एक लाइन के लॉन्ग आ जा रहे थे, एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट आ जा रहे थे, तो ये त्रिभुज नहीं होता था, इस केस में इसका एरिया क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। जब ये आपका स्ट्रेट लाइन बन गया, मतलब कि सरल रेखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया आपका, सीधी रेखा बन गया, तो फिर इसका एरिया क्या होता है, जीरो होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, 1D हो जाता है, ठीक है, 1D का आप एरिया भी नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ क्या निकालते हैं, लेंथ ब्रेथ वही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1D में आप एरिया का बात नहीं करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट जब संरेख का बता रहे हैं तो उसी कंसेप्ट से ये जो वाला कंसेप्ट हम ये नोट लिखवा रहे हैं तो उसी से आपको एडवाइज हुआ है कि किसी भी क्लोज कर्व का जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, समझ में आपको आया होगा ये नोट, ठीक है, आपको ये नोट समझ में आया होगा। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कहाँ सर अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा क्योंकि 2-3 बार आज बताए हैं और कल भी 1-2 बार बताए थे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि नहीं आप देख रहे हैं, तो ये कल के वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आपको बना हुआ है। चलिए नोट नंबर 1 तो कंप्लीट हुआ, नोट नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्या है नोट नंबर 2 देखिए आप पढ़िए, ठीक, थोड़ा सा हम पहले इसे क्लियर कर देते हैं जो कल का एक्सप्लेन किया हुआ था यहाँ पे, थोड़ा सा ये सब चीज को क्लियर कर देते हैं ताकि आपको फिर से हमको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसको इरेज करने में कुछ लिखा हुआ भी जो है ये नोट्स वो भी इरेज हो जा रहा है तो उसको हम फिर से लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको इसमें आप कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, आई होप आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इरेज हो गया, हम इसको लिख देते हैं, क्या था, सारणिक था और यहाँ पे ऊपर यही दो चीज जो होता है। तो देखिए पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, इफ एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, इफ एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज गिवन देन, ठीक है, यूज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन। ये नोट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो ये नोट हम नोट नंबर 3 के बाद बताते हैं, ठीक है, क्योंकि तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में। तो हम पहले नोट नंबर 3 को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको नोट नंबर 2 का एक्सप्लेन करके, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे एज ए होमवर्क, ठीक है। अब उस क्वेश्चंस को बना के आप लाइव टाइम पे भी आपसे आंसर दे सकते हैं लाइव चैट में भी, या अगर लाइव चैट में नहीं संभव हो पाता है, कम टाइम पड़ जाता है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। चलिए जो ये है नोट नंबर 3 है, ठीक है, ये भी नोट ही है, नोट नंबर 3 है, इसको हम एक्सप्लेन कर, तो आप नोट नंबर 3 को पढ़िए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नहीं है यहाँ पे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, ठीक है। आप हिंदी में पढ़िए, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, देखिए 3 बिंदु, ठीक है, आप तो ये समझिए कि संरेख किसे कहते हैं, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
सनरेख कहने का सिंपली मीनिंग ये होता है कि वो एक लाइन में आ जाए, ठीक है, वो कोलिनियर हो जाए। अगर दो बिंदु है उसे अगर आप स्केल से पकड़ के उसको क्या मिलाते हैं तो ऑलवेज क्या होता है, कोलिनियर ही होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता है। कोलिनियर तो आप उसे नहीं बोलिए, स्ट्रेट लाइन बोलिए, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो आपको अगर तीसरा पॉइंट मिलता है, ठीक है, कहीं भी तीसरा पॉइंट मिलता है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग नहीं, या इधर नहीं और या इधर नहीं, ठीक है, इस दोनों लाइन के अलोंग नहीं, इस लाइन के अलोंग नहीं, ठीक है, दोनों साइड आपको दूसरे कहीं मिलता है तो आप बनाइएगा तो कोई ना कोई शेप वो ले लेगा, वो ट्रायंगल का ही शेप लेगा। अगर एक पॉइंट से लेकर आप उसे मैच कराए तो वो ट्रायंगल का शेप ले लेगा। लेकिन जब इस लाइन के अलोंग आप कहीं बनाएंगे, ठीक है, अब मानते हैं यहाँ पे बना दिए एक पॉइंट को, यहाँ पे बना दिए और इसे मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा ना, एक रेखा में, ठीक है, ये एक रेखा हो गया लाइन, ठीक है, इसी में क्या हो जाएगा, संरेख कोलिनियर है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको कोलिनियर का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो संरेख, रेख मतलब क्या होता है, रेखा मतलब की लाइन, ठीक है, और सन मतलब होता है एक ही लाइन पर, ठीक है, आप ऐसे समझिए, ठीक है, ये एकदम कॉम्पैक्ट वे में है, ठीक है। संरेख मतलब एकदम टू दी पॉइंट है, संरेख आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये लॉजिकल वर्ड है थोड़ा सा आप बोले तो, ठीक है। तो संरेख कहने का मतलब कि तीन पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, संरेख हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हम तीन पॉइंट अगर इधर ना लेके, ये हम आपको बता रहे थे एक पॉइंट ये इधर ना लेके इस लाइन के अलोंग ले ले तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, उसे मिलाएंगे तो, अगर वो स्ट्रेट लाइन बन गया तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, आप बताइए उसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए तो ना, कुछ ही देर पहले तो आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये वन डी आता है लाइन, ठीक है, वन डी का एरिया भी नहीं निकल पाता है, इसका क्या होता है, हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ निकाल पाते हैं, मतलब उसका सिर्फ माप सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, ठीक है, आप इसे माप सकते हैं, आप इसे मीटर से मापिए तो, या फिर आप किसी स्केल से मापिए तो, लेकिन इससे आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते, इसका जो है क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ इसे माप सकते हैं। तो इसीलिए ये बता रहा है, इसीलिए ये नोट कर रहा है कि अगर तीन बिंदु संरेख है तो वो बना त्रिभुज, वो त्रिभुज रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बताया जाता है, फिर भी ये वहीं से निकल के आता है, त्रिभुज का कंसेप्ट है, संरेख का कंसेप्ट निकल के आता है, इसीलिए आपको त्रिभुज का भी बताया जाता है इसमें, सिर्फ त्रिभुज को साथ में लेके, ठीक है। तो आई होप ये जो नोट है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस नोट पर हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, एज ए होमवर्क, कि आप यहाँ पे भी बना के उसका आंसर आप लाइव चैट में दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आपको तीन वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, एक है ए वन टू, ठीक है, एक है बी फोर एट, और एक है एंड सी आपको दिया है, यहाँ तो ले लीजिए आप, फोर नहीं लीजिए आप, इसी लीजिए थ्री सेवन, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, थ्री सेवन, ठीक है। तो आप हिंदी में लिखिए तो बता करे कि ये शीर्ष या बिंदु है, ठीक है, बिंदु है शीर्ष या अच्छा बिंदु है आप शीर्ष या बिंदु है, ठीक है। अच्छा रुकिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, पहले इसे इरेज कर लेने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे वे में लिखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिखना क्या, हम आपको बोल दे रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको बोल दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कीजिए। ये तीन पॉइंट्स दिया हुआ है, समझिए ध्यान से क्या इसमें निकालना है, ये तीन पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें पता करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स दिया हुआ है किसी ट्रायंगल का, या किसी ये किसी ट्रायंगल का ही शीर्ष है, वर्टिसेस है, ठीक है, किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस वन टू ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए फोर ए, और इसको सी मान लीजिए थ्री सेवन, ये दिया हुआ है एक ट्रायंगल का थ्री वर्टिसेस, ठीक है। तो इसको चेक करना है कि ये जो तीन शीर्ष है ना, ये तीन शीर्ष है वो संरेख है कि नहीं, ठीक है, यस और नो में आपको आंसर देना है, यस और नो में, ठीक है, आपको सॉल्व करके यस और नो में देना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल देना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोज को अच्छे से देखते आ रहे होंगे ना, ठीक है, वो उन स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इस क्वेश्चन को देखते इनका आंसर बोल दे, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को, ठीक है, मेरे लेक्चर्स एकदम अच्छे तरीके से फॉलो करते आ रहे होंगे, वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के आंसर बता सकते हैं कि हाँ सर
ये कोलिनियर है कि नहीं या इसके एरिया जीरो है कि नहीं, ये चेक करना की जरूरत तुमको, ये चेक करने की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन आप अगर नए हैं या फिर आप लेक्चर्स को फॉलो करते हैं उतना अच्छे तरह से नहीं फॉलो कर पाते हैं, ठीक है, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करके देखिए, ठीक है। जो जनरल वे होता है इसका, है ना, सामान्य तरीका होता है सॉल्व करने का, एरिया निकालने का, 1/2 x1 x2, ये जो फार्मूला होता है, अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको फार्मूला बताया गया, उससे पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें एकदम स्टार्टिंग से बताया गया था आपको, ठीक है, तो आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए कि ये कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। हम आपको कुछ टाइम दे रहे हैं, आप लाइव चैट में बता सकते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करके, हाँ सर ये कोलिनियर है कि नहीं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे आप बता के आप सॉल्यूशन भेज दीजिए, ठीक है, वहां बता के आप सॉल्यूशन भेज दीजिए, आपका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे जरूर। जो भी स्टूडेंट्स ये काम करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर सॉल्यूशन पेज में भेज देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके या फोटो लेके, वहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं, उस पेज का फोटो लेके आप भेज देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम बताया जाएगा। हाँ, ये स्टूडेंट्स एक तरह से बताया जाएगा वहाँ पे कि ये स्टूडेंट्स एकदम एक्टिव स्टूडेंट्स है और ये लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं और ये अच्छे से पढ़ते भी है, एक अच्छे स्टूडेंट भी है, ठीक है, एक गुड स्टूडेंट है। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आपको नाम अनाउंस किया जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आप सोल्यूशन इसका क्या करें, टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हुए तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ऐड हो सकते हैं, ठीक है, और वहां पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कुछ ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जुड़िए टेलीग्राम पे और वहां पे आप सॉल्यूशन भेजिए, आपका नाम नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर संभव हो पाए तो आज के आज इस चीज को करिए, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको दिए, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन नंबर जो दो है, ठीक है, वो एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होने वाला है, एकदम डिफरेंट टाइप का, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने आपको नहीं कराया, ठीक है, एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, क्लियर क्रिस्टल है, ठीक है, क्लियर क्रिस्टल है आपका कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर पाइएगा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है और बहुत मतलब कि क्या कह सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आपका है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है Δ1, ठीक है, इसके जो वर्टिसेस है मतलब शीर्ष है, अगर आप हिंदी में बोले तो इसके शीर्षों है, ठीक है, इसके शीर्षों क्या क्या है, इसको शीर्षों है आपको 2, 3, 4, 5 और 6, 7, ठीक है। एक और ट्रायंगल है Δ2, उसके जो वर्टिसेस है या शीर्षों है, ठीक है, दोनों मीडियम में इसलिए बता रहे हैं किसी स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, ठीक है, ये तो वैल्यू दोनों मीडियम में एक ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदी में ये चेंज हो जाएगा इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा आपका ट्रायंगल है उसका जो वर्टिसेस है वो है 3 और k, ये 3 है, आप बस इसको मेज करके लिख देते हैं, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहेगा कि ये क्या है, 3k, ठीक है, और दूसरा है 5, 4 और तीसरा है 9, 2, ठीक है। ये Δ2 है, मतलब एक पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, इसके वर्टिसेस दिए हुआ है और कह रहा है कि Δ1 = Δ2, मतलब इनका एरिया जो है क्या है, इक्वल है, Δ1 = Δ2, ठीक है, जो इसका एरिया है वो इक्वल है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो फाइंड k, ठीक है, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का हिंट भी नहीं दे रहा हूँ, इसमें कैसे निकालना है आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को देने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे निकालेंगे, ये दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व करके आप यहाँ पे बताते हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो जरूर नाम आपका अनाउंस किया जाएगा यहाँ पे, ये इस क्वेश्चन के लिए भी ये आपको लागू होता है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिए भी ये वाला जो शर्त है ये लागू हो रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों में से कोई ना कोई ये क्वेश्चंस का जवाब कम से कम दीजिए, ठीक है, दोनों देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
तो आपको अब हम क्या कर रहे हैं, ये नोट नंबर 3 कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। इस पे 2 क्वेश्चन भी आपको दे, चलिए हम नोट नंबर 2 की ओर चलते हैं। नोट नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज गिवन, देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर आप इसे हिंदी में पढ़े तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हिंदी में, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो गणना करें कि सारणी का धनात्मक के मान। अच्छा ये अथवा सा अलग लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक तथा ऋणात्मक मान दोनों प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अच्छा ये कहना चाह रहा है आपको कि किसी ट्रायंगल का, अच्छा इस नोट को समझने के लिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस वाला, आपको वहाँ पे समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको एक्स एक्सिस यहाँ पे, ठीक है, और वाई एक्सिस, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको ड्रा कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस, इधर क्या होता है, माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, क्या अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिनके वर्टिसेस यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है, अगर मानते हैं इनका एरिया निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रायंगल बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक। अच्छा रुकिए, इसको और अच्छे से बना देते हैं हम आपको, इसको और अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स यहाँ यहाँ है, ठीक है। चलिए इसको हम अच्छे से बनाते हैं पहले ट्रायंगल, ठीक है। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, अच्छा ऐसा और गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा आपको समझने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना होगा कि यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, ठीक है, फाइनली, और ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया, एक ट्रायंगल बन गया आपका, ठीक है। अब समझने के लिए इसे समझ सकते हैं, ठीक है, आप इसे ट्रायंगल की तरह समझिए, ये ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं इसका एरिया क्या आता है, 5 स्क्वायर यूनिट, क्या आता है, 5 वर्ग इकाई आता है, आता है। अच्छा अब यही ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये दोनों पॉइंट सेम रहा, ठीक है, ये दोनों वर्टेक्स सेम रहा और ये पॉइंट है, मान लेते ये क्या है आपका 3 3 और ये है आपका 1 1 और ये आपका 1 नहीं सॉरी ये 4 1, ठीक है, ये इनका वर्टिसेस। अब क्या होता है, ये पॉइंट्स यहाँ चला आता है, ये पॉइंट्स यहाँ आ जाता है, ये यहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है। तो इसका भी एरिया ये यहाँ पे आ जाता है, तो इस केस में भी इसका भी एरिया क्या आता है, इस केस में इसका भी एरिया आता है सेम, कितना, 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं कुछ अलग मान लेते हैं, ठीक है, इसका मानते हैं 3 3 है ना, तो इसका एक्स एक्सिस तो सेम रहेगा 3 और इसका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं -2 ले लेते हैं, ठीक है, ये हम आर्बिट्री ले रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है कि, लेकिन आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है, ठीक है, ये डाटा आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं है कि इसका ये एरिया 5 स्क्वायर यूनिट ही आएगा, ठीक है, आपको बस ये समझाने के लिए लिया जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट, सॉरी, अगर इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में अगर वाई का वैल्यू आता है 3 और यहाँ पे -2, ठीक है, वाई का वैल्यू 2 आ सकता है कि अगर वो क्वाड्रेटिक बने, ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर के फॉर्म में बने, तो वहां से वाई का 2 वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, अगर एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू निकालेंगे वाई का, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेना है, वही कह रहा है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर में भी एरिया आप ले 1 पॉइंट, तो 5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, और नीचे में भी ले तो 5 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो वाई का यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल हो, एक है 3 और एक है -2, है कि नहीं। तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आए आपको, ठीक है, -0, तो इस केस में y=3 एंड -2 दोनों लेना है, वही आपको कहा जा रहा है यहाँ पे। आप एक बार देखिए फिर से, आप यहाँ पे एक बार फिर से देखिए उस प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज गिवन, देन यूज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन, ठीक है।
अगर एरिया दिया हुआ है तो आप दोनों वैल्यूज को आप वहाँ पे लेके कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में देखिए, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों प्रयोग होता है। ठीक है, ये चीज हम आपको समझाएं कब, ये देखिए, ये हमको हम आपको थोड़ा सा अलग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, ये चीज हम आपको थोड़ा सा अलग एक्सप्लेन कर दिए कि अगर आपका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका पॉइंट्स निकालना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है, अगर नहीं तो, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी ये कह रहा था, ठीक है, किसी ट्रेंगल का, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया प्लस 5 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो आप उसे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ले सकते हैं उनके वैल्यूज निकालने के लिए। वो कंसेप्ट एक्चुअली यहीं से अराइज होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए ये चीज़ हम आपको पहले बताने की कोशिश की, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर समझ पाए होंगे तो ये चीज़ आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स अगर आप समझ पाए होंगे, ठीक है, तो ये वाला आपको जो है नोट जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो गणना के लिए हम सारणी का धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं, ठीक है, मैं तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस करने के बाद ही पता चलेगा। आप इसको समझने के लिए आप एनसीईआरटी को क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन कीजिए। एक्चुअली इसका यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा कर देखें, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा कर देखें तो इस बेसिस पे क्वेश्चन, मतलब इस नोट पे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको, मतलब 5 साल में एक आ गया तो आगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है, क्या पता आप ही के सेशन में आ जाए, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों नोट बता दिए और ये दो क्वेश्चन आपको एज होमवर्क भी दे दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करता है, क्या करना था कि आपको कोलिनियरिटी का चेक करना था कि कोलिनियर है कि नहीं पॉइंट्स, और इसमें क्या करना है, दोनों का एरिया बराबर है तो उसमें के का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप हमें टेलीग्राम में दीजिए या आंसर आप लाइव चैट और कमेंट्स में दीजिए, ठीक है। हम तो कोशिश, मेरा तो कोशिश यही रहेगा कि आप क्या टेलीग्राम में दे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, आपका नाम एटलीस्ट अनाउंस होगा नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ कि ये स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए मम्मी पापा कि हम अच्छा किए तो मेरा नाम इस लेक्चर में इस टीचर ने लिया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज को लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक भी यही कहेंगे कि बस पढ़ते रहिए, तो पढ़ते रहिए, थैंक यू, बाय बाय।